मिर्ची बॉलीवुड। नाइन्टीज की एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर करने जा रही हैं कमबैक। जी हां, उर्मिला ने अभी तक के अपने करियर में कई आइटम सॉन्ग्स में धमाल मचाया है। वहीं एक बार फिर उर्मिला अपने डांस मूव से लोगों को दीवाना बना रही हैं। जी हां, 10 साल बाद एक बार फिर उर्मिला इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल के गाने बेवफा ब्यूटी पर थिरकती हुई नजर आई। बात करें बेवफा ब्यूटी गाने की, तो इस गाने को पावनी पांडे ने अपनी आवाज दी है। पावनी इससे पहले रईस फिल्म के गाने लैला में लैला को गाकर लाखों दिलों को चुरा चुकी हैं, और अब ये गाना भी रिलीज हो चुका है। फिल्म ब्लैकमेल के डायरेक्टर अभिनव देव ने इस गाने के बारे में कहा है, वैसे तो इस फिल्म में कोई भी गाना नहीं है, लेकिन जब इस फिल्म का डिस्कशन भूषण के साथ कर रहे थे तो उन्हें लगा कि फिल्म में ऐसे गाने होने चाहिए जो फिल्म की कहानी को बयां करे और उसे आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करे। मैं फिल्म में कोई आइटम नंबर नहीं चाहता था, लेकिन हमें पता था कि यह गाना फिल्म की कहानी के बारे में कुछ न कुछ जरूर बयां करेगा। इस गाने के जरिए हम फिल्म की कहानी को आसानी से बयां कर सकते हैं। जब मैं अमिताभ और अमित को गाने के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था मुझे एक ऐसा गाना चाहिए था जिसे देखकर पुराने गानों की याद आ जाए, और इसलिए हमने उर्मिला को इस गाने में लिया। उर्मिला स्टार है, वो आइटम गर्ल नहीं है। हमें एक परफॉर्मर चाहिए था जिसका एक ऑरा हो। मुझे भरोसा है कि मैंने सही शख्स का चुनाव किया है, वो इस गाने के लिए फिट बैठती है। खैर, आपको उर्मिला मातोंडकर का बेवफा ब्यूटी अंदाज कितना भाया, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।